नमस्ते दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष रेड्डी। और आप देख रहे होंगे मैं वाइट्स पे हूँ मेरे बैकयार्ड में। तो मैं आज क्या बताने वाला हूँ, आप टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे। आज हम 100 रन्स भागने वाले, फिटनेस ड्रिल्स करने वाले विथ विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में हम प्रॉपरली मैच सिनेरियोज विजुअलाइज करेंगे और साथ में 100 रन भागेंगे। मॉर्निंग सेशन है ये हमारा और साथ में देखिए हम वाइट्स पहन के हैं पूरे। जो स्पोर्ट जब मैच खेलते हैं तो जैसे अपन मैच को जाते हैं पूरे, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सिनारियो अपन पूरा विजुअलाइजेशन में पूरे जितना अपन रेप्लिकेट कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। तो पूरा स्पाइक्स वाइक चेक कर लीजिए मैच के पहले, आप रनिंग करने वाले स्पाइक्स वगैरह पूरा देख लीजिए आपके सही है कि नहीं है। और जैसे कि सब मैं पहन के दौड़ने वाला हूँ तो आइए चले देखते हैं। आईपैड वगैरह पहन लीजिए, पूरा अपन किट करने वाले हैं। कोरोना के बाद में शायद पहली बार मैं पूरा किट कर रहा हूँ, काफ़ी समय के बाद में किट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है वाइट्स पहन के। और आपको एक मज़े की बात बताऊँगा, इस पहले के जो 5-6 मैचेस थे ना, मैं रनआउट ही हुआ। मैं बिना थाई पैड हेलमेट के प्रैक्टिस करता था पहले, इसलिए मेरा मतलब पुल वुल स्ट्रांग था, कभी डर वर नहीं लगता था, क्योंकि बिना हेलमेट की प्रैक्टिस करते थे तो पुल और हिप के बॉल भी मेरे ये छक्के जाते थे। और पर जब मैं प्रॉपर मैचेस खेलना शुरू किया तो मुझे अलाउ नहीं किया गया बिना थाई पैड के, बिना हेलमेट के। और थाई पैड मुझे पता नहीं था लेफ्टी के और राइटी के अलग आते हैं, पहले पता ही नहीं था। और उस चलते मेरा पहले मैं राइटी के थाई पैड पहन के बैटिंग कर रहा था। मैच में जो पहले के मैचेस थे तो राइटी के थाई पैड पकड़ा दिया किसने, तो मैंने वो पहन के बैटिंग किया और उसकी वजह से मुझे रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत तकलीफ आई। तो ये छोटी छोटी बातें गाइस कि अगर आप बचपन में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि लेफ्टी के राइटी के थाई पैड अलग आते, हेलमेट की आदत रहने को ना, हेलमेट की भी रनिंग बिटवीन द विकेट में अगर हेलमेट ढीला है तो वो भी काफ़ी मतलब आपको दिखेगा नहीं और रनआउट होने के लिए रनआउट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किट कर लिया है, पूरी तरह से किट कर लिया है और अच्छे से बॉडी गर्म कर लीजिए ये स्टार्ट करने से पहले। तो वार्मअप वगैरह कर लीजिए पहले से ही, एकदम हाई स्प्रिंट नहीं भागना है अपने को पहले से ही। जब रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं तो स्प्रिंट ही करेंगे, तो उसके पहले नॉर्मल जॉग कर लीजिए, हल्का सा फील ले लीजिए। और हम क्या करने वाले हैं गाइस, स्टंप जैसे कि देख सकते हैं, एक साइड स्टंप लगाएंगे और एक ही साइड स्टंप लगा सकते हैं। फिर हम पैरों से काउंट करेंगे अंदाजे से, हम जैसे कि 22 यार्ड्स में ग्राउंड पे नहीं है, हम बैक यार्ड में है तो हम वहाँ एक पत्थर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, तो देखिए कैमरा इधर खींचा, तो जैसे कि ये इमेजिन कर रहे हैं, हम ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये पैविलियन है, हम पैविलियन में बैठे हैं। अब आप ओपनर है, मिडल ऑर्डर है, कोई भी बैट्समैन है, तो जब भी आप पैड पहन के रह रहे हैं, विकेट घिरी या आपको ओपन जाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़े से बॉडी को मैच देखते रहिए। मैं मैच देखते रहता हूँ और मैच में इन्वॉल्व रहते हैं, सबका अलग अलग है। और जैसे ही विकेट घिरी आपको बैटिंग पे जाना है तो थोड़ा सा वार्म अप और बैटिंग पे थोड़ा सा एनर्जी के साथ जाइए। जो भी क्रीज पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ जाइए, पूरा ऐसे ऐसे लगना नहीं चाहिए कि ढीला होके जा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच वेच करके, थोड़ा सा पंप अप बट किक्स वगैरह हाई नीस करके। तो अब जैसे मैं स्टंप पे जा रहा हूँ तो पैविलियन से मैं जाने के बाद थोड़ा सा जॉग कर लेता हूँ, जाने के बाद हल्का सा रनिंग कर लेता हूँ, ये चीज़ें बेसिक है, 3 रन भाग लेता हूँ, ऐसे बेसिक चीज़ें कर लेता हूँ।
फिर थोड़ा पास में आ। फिर आप अंपायर से गार्ड लेते हैं, गार्ड लेके, गार्ड ले रहा हूँ मैं। फील्ड चेक कर लिया, किधर फील्डर है, टेस्ट मैच समझ रहे हैं हम, टेस्ट मैच के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट मैच के हिसाब से रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं। तो फील्ड देख लिया कि कहाँ कहाँ फील्ड है, फील्ड जनरली अब वो विजुअलाइज करना है। यहाँ विजुअलाइजेशन का पार्ट है कि आपको फील्ड विजुअलाइज करना है। तीन जैसे फास्ट बॉलर डाल रहा है, दो स्लीप है, एक गली है, पॉइंट है, कवर्स है, 7-2 की फील्ड रहती है जनरली, तो 7-2 या 6-3 की फील्ड रहती है। तो मिड ऑन है, शॉर्ट मिड विकेट है और डीप फाइन लेग है, ये बेसिक फील्ड रहती है। तो ये ऐसे विजुअलाइज करना है। और विकेट को देख लेता हूँ, मैं विकेट को टैप कर लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ कहीं रफ तो नहीं है, वो सब टैप करके अब मैं बैटिंग स्टार्ट करूँगा। जैसे आप टेस्ट मैच कर रहे हो तो आपको लेफ्ट करना है, ये बेसिक विजुलाइज के साथ अपन रनिंग भागने वाले हैं। तो हर बॉल मार के नहीं भागना है आपको, जैसे देखना है कि कौन से रन भाग सकते हैं कौन से नहीं। तो आप 2-3 बॉल छोड़िए, ये प्रैक्टिस कीजिए। मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ ये वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़े से बॉल छोड़िए, बॉल छोड़ने के बाद थोड़ा सा डिफेंस कीजिए, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे। अब एक आधा खराब बॉल डाला है, ऐसा विजुअलाइज करना है कि यहाँ बॉल डाला है। 100 रन भागने तो आपको देखना है कि 1 रन के 2 रन के 3 रन के 5 4 रन के 4 रन तक 4 रन के भी 2-3 रन भाग लीजिए। अगर लंबा ग्राउंड है, समझ लीजिए आपकी लंबा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो 4 रन भी बन सकते हैं, तो रनिंग बिटवीन द विकेट में 4 रन भी भाग लीजिए आप। पर 2-3 ही भागिए, 4 रन उससे ज़्यादा मतलब भागना नहीं। 3 रन के भागिए, 2 रन के भागिए, उसके बाद आने के बाद वापस ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, ब्रीदिंग वापस कंट्रोल में लाइए, लंबी डीप ब्रीदिंग लीजिए। तो ये अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, तो जैसे कि आपने कॉलिंग किया और भागे, तो ये ग्राउंड पे ये प्रैक्टिस आई होप कि आप रेगुलरली हफ्ते में एक बार तो भी करनी चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। कोई पार्टनर के साथ कर सकते हैं तो बहुत बेटर है पार्टनर को, क्योंकि उसमें ज़्यादा ये आएगा। अब मैंने डिफेंस किया था और कवर और पॉइंट के बीच में से वो बॉल गया, ये विजुअलाइज करना है कि अपन ने बॉल बर्बाद देखा आखिरी तलक और वो कवर्स और पॉइंट के बीच में गया और अपन ने एक सिंगल बना लिया, अपना खाता खुल चुका है। तो ये जैसे मैंने स्क्वायर लेग की तरफ खेला, 2 रन होते हैं तो 2 रन भागा, तो ये कॉलिंग करनी है। यहाँ मैं बैक एड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ज़्यादा जम से कॉलिंग नहीं कर सकता हूँ गाइस, तो वीडियो में वो बता नहीं सकता हूँ कि चिल्ला के कॉलिंग करनी है, लाउड कॉलिंग, ऑलवेज लाउड कॉलिंग, क्योंकि आपके पार्टनर को यस नो, एक रन छूटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक आधा रन छूटा तो पर रनआउट नहीं होना है, तो वो चीज़ का ध्यान रखिए कि लाउड कॉलिंग कीजिए, चाहे यस हो या नो हो। तो जैसे कि अभी मैंने बैकफुट पंच मारा और बैकफुट पंच कवर्स और पॉइंट के बीच में से गया, मैंने 3 रन बनाए। ये विजुअलाइज किए कि मैं बरबर मार रहा हूँ, बीच में से बॉल मिडल पे लग रहा है, आखिरी तलक बॉल देख रहा हूँ, फील्ड प्लेसमेंट विजुअलाइज की, बॉलर का रिलीज विजुअलाइज किया, सब ये इमेजिन करना है। और आई होप ऐसा, मैं अभी आज 100 रन भागने वाला हूँ तो मैं पूरे देर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो ये जस्ट आपको फेयर आइडिया देने के लिए। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे फ़ायदा मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, इस प्यार दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।